नमस्कार, मैं आपकी होस्ट ओल्डी गुल्डी सिंपल कुकिंग से बात कर रही हूँ। आज मैं आपको कोकण की एक रेसिपी बताने वाली हूँ और उस रेसिपी को बोला जाता है उंदलकाल। ये उंदलकाल क्या है, किसका बनता है? देखिए, हम हर एक प्रांत की रेसिपी देख रहे हैं, अलग अलग रेसिपी अलग अलग प्रांत की हम देख रहे हैं, तो वो भी रेसिपी देखती, वो उनकी पारंपरिक रेसिपी है। तीज त्यौहार आते हैं तो वो बनाते हैं, तो चलिए हम किचन में जाते हैं और देखते हैं। उंदलकाल बनाने के लिए मैंने क्या क्या लिया है ये आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये चावल का आटा है, क्योंकि आज की रेसिपी मीठी है। ये गुड़ है, ये घिसा हुआ गीला नारियल है, ये मेरे पास थोड़ी खसखस है, ये इलायची की पाउडर मैंने ली है, और ये मैंने जायफल लिया है जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है, और ये मेरे पास थोड़ा सा केसर है, और सजाने के लिए मैंने थोड़ी एक गुलाब की पखुड़िया ली है। तो अभी हम बनाते हैं उंदलकाल। तो अब हम ये साइड में जाएंगे और देखेंगे कि क्या हम क्या कर रहे हैं। तो मैंने इसमें पैन में मैंने सबसे पहले तो घी डालकर रखा है। अभी मैं इसको गैस लगाती हूँ और अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ये नारियल, हम ये एक और दो चम्मच नारियल मैं इसमें डाल रही हूँ, और अभी हम इसको अच्छे से भून लेंगे। सबसे पहले तो हमारा काम है नारियल को हम अच्छा सा लाल होने तक हम इसे भूनेंगे। ये बहुत ज़्यादा मीठी ये नहीं रहती है। दूसरी बात यह है कि ये जैसे गुड़ की बनाई जाती है तो डायबिटीज पर्सन भी इसको खा सकता है। नारियल तो पूरा कैल्शियम है। और अभी देखिए, जो मैं अब आपको चावल का आटा इसमें डाल के दिखाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा कि रेसिपी बहुत अच्छी बनती है, खाने में तो बहुत स्वादिष्ट लगती, एकदम जैसे मिठास उसमें आती है, लेकिन इतनी ज़्यादा मिठास नहीं आती कि हमारा मुंह एकदम मीठा हो जाए अंदर से। उसमें हमको सहन होने वाली या हमको भाने वाली मिठास इस मिठाई में आती है। मिठाई नहीं, इसको आप बोलिए, क्योंकि गणेश जी का त्यौहार रहता है तो हम लोग उकड़ी के मोदक बनाते हैं, वो तो आजकल मार्केट में मिलते हैं, लेकिन ये जो उंदलकाल है ये कहीं नहीं मिलता, ये घर में ही बनाई जाती है। तो ये घर में बनाने की ये रेसिपी मैं आपको बताई। अब मेरे हिसाब से ये नारियल अच्छा लाल भुन गया है, मैं गैस कम कर देती हूँ और मैं अब इसमें थोड़ी सी ये खसखस एक चम्मच में डालती हूँ ताकि हमें अच्छा खाने में अच्छा स्वाद आ जाए। और ये बहुत पौष्टिक रेसिपी है, तो आप बच्चों को आराम से इसे खिला सकते हैं। अब देखिए, ये मैंने बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम एक कप पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद मैं इसमें अभी ये जो चावल का आटा है ये मैं मिलाने वाली हूँ। तो एक कप पानी डाला है तो हमें चावल का आटा भी एक कप ही चाहिए। थोड़ा सा दबाकर मैं ये चावल का आटा ले रही हूँ। ये देखिए, ये थोड़ा सा दबाकर मैंने लिया है, आपको दिखाती हूँ, चम्मच अच्छा भर गया है। और अब इसको मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं इसको अलग से रख देती हूँ और अभी हम ये आटा इसमें अच्छे से मिला लेंगे ताकि इसकी गुठली ना हो, ये इसकी इसको हमें मलना पड़ेगा। तो अभी पहले तो हम इसको इतने ही पानी में पकाएंगे, थोड़ा जो पानी लगता है तो वो गुड़ का पानी बनाकर इसमें डालते हैं और इसको अच्छे से मल लेते हैं। और मेरा ये गुड़ काला है और ऑर्गेनिक गुड़ बोलते हैं, वैसा ये गुड़ है, ये मैंने लिया है कहीं से, तो उसका ही उपयोग मैं आज करूँगी, क्योंकि ये डायबिटिक पर्सन भी खाएंगे, जो जिम जाते हैं वो भी खाएंगे, तो भी मीठा नहीं लगेगा पर खाने में बहुत अच्छा लगेगा। अब 2 मिनट हम इसको अच्छे से भाप लेते हैं। 2 मिनट भापने के बाद
हम इस थाली में इसे निकाल लेंगे और आपको फिर मैं बताती हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ। अब फिर से हमें पानी की ज़रूरत है, तो इस बर्तन में मैं आधा ये मेरा कप है, आधा कप पानी मैंने लिया है, मैं इसे अलग से रखती हूँ। अब ये देखते हैं इसको भाप आई क्या अच्छी, और इसकी भाप आने की है, 2 ही मिनट इसको अच्छी भाप लाना है। अब इसको अच्छी भाप आ गई है, तो अब मैंने गैस बंद कर दिया है और इसको मैं यहाँ पर निकाल लूंगी, और निकाल कर इसकी भाप न जाए इसलिए इसको ढक के रखूंगी। अब ये आधा कप पानी जो है ये फिर से मैं पैन में डाल रही हूँ। ये आधा कप पानी डाल दिया और अब क्या करूँगी, इसमें हमें गुड़ लेना है, हम गुड़ लेंगे थोड़ा सा, देखिए इतना गुड़ मैंने ले लिया है। और अब हम फिर से इसे गैस लगाएंगे और इस गुड़ को हम पानी में पिघला लेंगे। हमें गुड़ की चाशनी नहीं बनानी है, हमें सिर्फ गुड़ को पानी में पिघला लेना है, तो ये पिघल जाता है क्योंकि पानी गर्म है तो वो जल्दी पिघल जाता है। अब पूरा गुड़ पिघल गया है, अब ये जो पानी है ये हम इसमें लेंगे। अब मैं इसको बंद करती हूँ और ये पानी हम इसमें डालेंगे। अब इसको इस गुड़ के पानी में अच्छे से हम मिला लेंगे। बहुत गर्म है तो नहीं कर सकते, थोड़ा ठंडा होने पर जैसे ठंडे पानी का हाथ लेकर इसको घिसना पड़ता है, तो इसके चिकने चिकने ऐसे छोटे छोटे मोती या बॉल सम बना लेंगे। तो अब देखिए ये मैं अब इस पर हम थोड़ा सा घी डालेंगे। जैसे ज्वार के आटे की रोटी, रोटी का आटा ऐसे घिस घिस कर उसको बनाया जाता है, वैसे ही मैं इसे अभी बनाने वाली हूँ। थोड़ा सा हाथ को, बहुत ज़्यादा गर्म है, थोड़ा सा घी डालती हूँ ताकि मेरे हाथ को ज़्यादा ये ना हो। इस तरीके से इसको मला जाता है। पूरा आटा मलने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ।
ये जो आटा है ये देखिए मैंने इतना चिकना गूंद लिया, अब आपको इसमें एक भी गठन नहीं दिखेगी। और इसमें थोड़ी खसखस और फिर इसके छोटे छोटे टुकड़े मैंने काट लिए और ये मैंने उसके बॉल बना दिए। इस बॉल को ही उंदलकान बोला जाता है। तो अब ये हमारे बॉल तो बन गए। अब इसके आगे की जो रेसिपी है उसके लिए हमें फिर से पैन की तरफ जाना पड़ेगा और मैं अब इसके नीचे गैस लगा रही हूँ। अब हमारी रेसिपी ज़्यादा बची नहीं है और अब हम इसमें क्या करेंगे, एक चम्मच घी मैं इसमें डाल रही हूँ। एक चम्मच घी मैंने डाल दिया है। अब इस घी को हम पिघला लेते हैं और घी को पिघलाने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे उंदलकान बॉल्स है ये हम इसमें छोड़ेंगे और इनको हम सुनहरा कर लेते हैं। ये आराम से सुनहरे हो जाते हैं। एक लॉट मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने गैस बड़ा ही रखा है क्योंकि ये अच्छे से बनना चाहिए, इसलिए ताकि ये पैन अगर गर्म होगा तो हमारे ये उंदलकान ऊपर से एकदम सुनहरे होते हैं और फिर अंदर से एकदम ऐसे गुलाब जाम कैसे रहता है, उस तरीके से इसकी ये रेसिपी बनती है। अब हम इसको कम करेंगे और थोड़ा थोड़ा बस ये ऐसे ही सुनहरे होते रहते हैं, बस इसको हम थोड़ा थोड़ा अभी सुनहरा कर लेंगे। जल्दी हो जाती है रेसिपी, कुछ टाइम नहीं लगता है, पर आपको उसकी थोड़ी बहुत तैयारी करनी पड़ती है। और इसको गणेश जी के दिनों में या कोई भी तीज त्यौहार में इसको बड़े आराम से बनाया जाता है और बहुत लोग इसे खाते हैं और बच्चों को ये रेसिपी ज़्यादा पसंद आती है क्योंकि ये दिखने में गुलाब जाम जैसा रहता है, ना तो चाशनी बनाने का झंझट है ना कुछ। डायबिटीज़ वाले लोग इसे खा सकते हैं क्योंकि हमने इसे मैंने आपको बताया कि मैंने जो काला गुड़ लिया था तो वो ऑर्गेनिक गुड़ था, ऑर्गेनिक गुड़ में मैंने इसे बनाया है। तो अब देखिए ये कैसा दिखता है बनने के बाद। थोड़ा इसे और हम लाल करेंगे, बाद में ये अच्छे ठंडे होने के बाद ये एकदम ऐसे कुरकुरे, ऊपर से कुरकुरे और अंदर से सॉफ्ट, जैसा अपना साबूदाना पर रहता है उस तरीके से ये होते हैं और बहुत ज़्यादा मीठे नहीं रहते हैं। मिठास उसकी दिल को भाने वाली रहती है। जैसे हम कोई फल खाते हैं तो फल में भी शुगर रहती है लेकिन फल इतना मीठा नहीं रहता है, जैसे कि हम शुगर की चाशनी खा रहे हैं ऐसा नहीं लगता है। तो ये देखिए अभी हम इसको बना लेते हैं। इसके लिए ऊपर से ये मसाला बनाकर डाला जाता है, तो इसमें गीला नारियल, गुड़, खसखस और थोड़ा सा काजू मैंने डाला है, काजू के टुकड़े डाले हैं और इसका कोटिंग इसके ऊपर किया जाता है और फिर बस अंदर भी वही मटेरियल रहता है, गुड़, नारियल, खसखस ये अंदर है और बाहर भी यही मटेरियल है। ये बहुत अच्छा लगता है खाने में, मैं आपको बता रही हूँ। आप ये एक बार रेसिपी बनाकर देखिए, बनाने में तो बहुत आसान है, सिर्फ आपको थोड़ा सा घिसना पड़ता है, बस वही मेहनत इस रेसिपी में है। आप गुलाब जाम बनाते हो तो गुलाब जाम का आटा भी तो आप अच्छे से घिस कर लेते हो, बस उसके उसी तरीके से। अब आप सोचिए ये कोकणी गुलाब जाम ही बोल दीजिए इसको, सिर्फ ये सूखे रहते हैं, सूखे भी गुलाब जाम हम बनाते हैं। तो ये अभी मेरे ये एक लॉट मेरा बन गया है, दूसरा भी लॉट बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये हमारे उंदलकान बनकर तैयार हो गए हैं। अब ये जो मसाला है इस मसाले का कोटिंग मैं इसके ऊपर डालने वाले हैं।
ये हर एक इसको वो आराम से लग जाता है। और ये अब मैं इसे बंद कर देती हूँ और इसको मैं अब निकाल लेती हूँ। अब इन्हें हम ठंडा होने देते हैं और फिर इसको निकाल लेते हैं। बस इसके ऊपर अभी जब ये ठंडे हो जाएंगे तो इसके ऊपर ये ये लगाई हुई है, इसको बहुत गर्म है, इसके ऊपर हम थोड़ी विंची पाउडर डालेंगे और इसको बाद में हाथ से अच्छे से कोट कर लेंगे। और ये थोड़ी जायफल पाउडर है तो ये मैं इसमें लगा देती हूँ, इसे अभी ठंडा होने देती हूँ। तो विंची पाउडर और जायफल पाउडर मैंने डाल दिया है। और ये ठंडे होने के बाद मैं आपको फिर दिखाती हूँ। उंदलकाल बनकर तैयार हो गया है। अब ये थोड़ी सी गुलाब की पखुड़ियाँ मैं एक दो बाजू ऐसे डाल रही हूँ ताकि ये दिखने में अच्छा दिखे। ये ऐसे बॉल्स बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत ज़्यादा मीठे नहीं और ऊपर से ऐसे गोल्डन हो गए तो ये बहुत ही एकदम अच्छे लगते हैं। तो ये मेरी उंदलकाल की रेसिपी मैंने आज आपको कोकणी रेसिपी बताई। ये पारंपरिक कोकण की रेसिपी है, तीज त्यौहार में बनाते हैं, कोई आता है तो बनाते हैं और बहुत अच्छी लगती है। इसमें सिर्फ चावल, गीला नारियल, गुड़ और घी, इसके सिवा कुछ नहीं लगता है। वो सब मैंने वेलची पाउडर, किसी को डालना है तो डालते हैं, नहीं डालना है तो नहीं डालते। और खुशबू वाला चावल रहा तो फिर शायद वेलची पाउडर भी नहीं डालते हैं, वो तो मैंने सिर्फ ऐसे ये रेसिपी बनाई इसलिए डाला। मसाला वो अलग से बना लेते हैं और उसको अच्छे से घी में थोड़ा सा कुरकुरा करके फिर उसके ऊपर मसाला कोट किया जाता है। जैसे ये मीठे बनाए जाते हैं वैसे ही खारे उंदलकार भी बनाया जाता है, वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो मेरा हमेशा का फंडा, बनाइए, खाइए, खिलाइए और आपकी ओल्डी गोल्डी को अच्छे अच्छे कमेंट्स जरूर भेजिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट टू माई रेसिपी। धन्यवाद।